हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो कि किसने दिए थे, हेनरी फोयल ने। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि पार्ट इसके पहले वाला पार्ट एंड ये वीडियो का फर्स्ट मैं जो बताऊँगी थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो मैं इसके पहले पार्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू करवा रही हूँ आप लोगों को कि हमने क्या क्या पढ़ा था इसके फर्स्ट पार्ट में, की प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट किन्होंने दिया था, हेनरी फोयल ने। अब क्या पढ़ना है हमें, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये किन्होंने दिया है, FW टेलर ने। याद हो गया, मीन सिंपल बात है कि प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट के फादर, ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, सिंपल आंसर है हेनरी फोयल। एंड हु इज़ द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन क्या आंसर होगा हमारा, FW टेलर। हो गया। केस स्टडी में हिंट्स दिए गए हैं, दो हिंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ो, क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोनों में कंपेयर किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है कि FW टेलर एंड सेकंड है हेनरी फोयल। तो हेनरी फोयल ने जो अपना 14 प्रिंसिपल दिया वो किसके बेस पे दिया, तो एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दिया। उन्होंने जितना काम किया, जितने साल काम किया, उसका जो उन्होंने जब फील किया, कुछ लैकिंग फील किया, क्या होना चाहिए, क्या मतलब सुधार क्या हो सकता है, मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने क्या दिया, 14 प्रिंसिपल्स आपको दे दिया। बट FW टेलर ने क्या किया कि उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिया, किसके बेस पे दिया, एक्सपेरिमेंट के बेस पे, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस था वो, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे, यानी उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया, बहुत सारे रियल फैक्ट निकाल के लाए, एंड देन उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल में उसको कन्वर्ट किया। डिफरेंस हो गए आपके, ठीक है। मतलब क्या कि हेनरी फोयल ने जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स किसके बेस पे दिया, एक्सपीरियंस के बेस पे दिया, एज अदरवाइज कि FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसके बेस पे दिया, अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको जान लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। फर्स्ट हमें लिखा है मैंने मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का अर्थ है क्या, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है। तो सिंपल बात, साइंटिफिक मैनेजमेंट दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको मैंने बताया है, बहुत बार बताया है, मैनेजमेंट मीन्स क्या कि वर्क को करना, वर्क को मैनेज करना, सिंपल बात है, मैनेजिंग मतलब मैनेजमेंट, ठीक है, आपको बहुत बार बताया मैंने मैनेजमेंट। नया वर्ड निकल के आता है साइंटिफिक। अब साइंटिफिक है क्या, साइंटिफिक एक वर्ड से बनता है साइंस, साइंस मीन्स क्या, रियल फैक्ट, ठीक है, साइंस मतलब रियल फैक्ट्स, मतलब साइंस क्या करता है, अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको रियल फैक्ट से आगाह करवाता है, आपको रियल फैक्ट्स देता है और किसी भी टर्म का एग्जैक्ट नॉलेज देता है साइंस, ठीक है, साइंस जान लिया आप लोगों ने। अब जो दो वर्ड बना साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, तो FW टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, लिखा है मैंने डेफिनेशन, उससे पहले दो कीवर्ड याद करो, फर्स्ट है आर्ट एंड सेकंड है बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ठीक है। FW टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट का दो कीवर्ड है, मेन पॉइंट, इन्होंने मेन पॉइंट क्या बताया, आर्ट एंड बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। डेफिनेशन पढ़ोगे फिर बताऊंगी कि ये आर्ट एंड बेस्ट एंड चीपेस्ट वे इंपॉर्टेंट कीवर्ड कैसे है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। सिंपल बात, हिंदी समझ लो पहले इसका, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक कला है जिससे कि आप ये जानते हो, ये आप समझ सकते हो, ये आप फील कर सकते हो, ठीक है, आपको नॉलेज आता है कि आपको आदमी से, अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉयज से कैसे काम करवाना है, और उसके साथ साथ आप उनको देखते भी हो कि क्या वो काम बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में हो रहा है या नहीं, यही क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। फिर से मैं बोल रही हूँ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, किसका आर्ट है, अपने वर्कर्स एंड एम्प्लॉय को काम करवाने का एक कला है, और साथ साथ आप ये भी देखो कि वो आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज वो काम सही ढंग से कर रहे हैं, यानी बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं। अब दो क्वेश्चन वर्ड निकल गए, कि वर्ड आर्ट मतलब कला है निकल गया, सेकंड है बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, मतलब क्या कि अच्छे भी आपके जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे भी हों और कम भी आप उसको कम पैसे में ज़्यादा कुछ अच्छा बना सको, ठीक है। बेस्ट एंड चीपेस्ट वे मतलब क्या कि आप कम पैसा लगा के बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, आप पैसा कम लगाओ, आपका जो प्रोडक्शन हो वो अच्छे क्वालिटी का मिले। ये हो गया हमारा
मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट किसने दिया? F.W. टेलर ने। F.W. टेलर के बारे में कुछ जानते हैं, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में F.W. टेलर के बारे में, कि इनका नाम क्या है? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, ठीक है, स्पेलिंग देख लो, याद कर लो उसको। एंड इनका बर्थ कब हुआ था? 1856, ठीक है। F.W. टेलर का बर्थ कब हुआ था? 1856, एंड डेथ कब हुआ था? 1915। अब है हमारा लास्ट है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? F.W. टेलर को। एंड फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? किसको? हेनरी फॉयल को। लिखा हुआ नहीं है बट याद कर लो, हेनरी फॉयल को बोलते हैं। हो गया। अब इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिया उसको पढ़ते हैं। फोर प्रिंसिपल्स दिया उन्होंने, चार प्रिंसिपल्स, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फर्स्ट क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसको रूल ऑफ थंब के बेस पे मत करो। सिंपल बात, एक एग्जांपल समझो कि मैंने तुमको बोला, मैंने आप लोगों को बोला कि आपको BST चैप्टर सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 मिनट में ख़त्म कर देना है। ये क्या हुआ? मेरा आपको आदेश हुआ, ठीक है। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँगी कि हाँ मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे, मुझे विश्वास है आप लोग कर लोगे। क्या मुझे ये मेरे बोलने से आप ये कंप्लीट कर पाओगे? 3 मिनट में चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट अगर मैं फैक्ट देखकर करूँगी, मैं खुद पढ़ूंगी, हाँ मैंने चैप्टर सेकंड पढ़ा, 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 3 घंटा लगा, फिर मैं आपको ऑर्डर दूंगी कि हाँ 3 घंटे लग रहे हैं, आप लोग 3 घंटे में कंप्लीट करके बताओ। वो क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट करके आपने ऑर्डर दिया, तब वो ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई ऑर्डर दे रहे हो, आप कोई वर्क करवा रहे हो, तो उसका सही ढंग से एक्सपेरिमेंट करो कि कितना टाइम लगेगा, कितना उसका वो रॉ मटेरियल लगेगा, कुछ भी, सब कुछ, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड कितना रहेगा, सब कुछ आप एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करो एंड देन ऑर्डर करो। ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया वो होना चाहिए, अंगूठा जैसा अंगूठा छाप, नहीं, मैंने बोल दिया ये हो गया, होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। मीन्स क्या कि कोई भी वर्क हो, कोई भी आप ऑर्डर दे रहे हो, तो उसको अच्छे से चेक करो कि हाँ क्या वो मैंने जो ऑर्डर दिया वो उतने काम में वर्कर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जो आपका ऑर्डर होना चाहिए वो एक बात याद रखो, उसको आपको ऑर्डर कैसे देना है कि अच्छे से अच्छे वर्कर उस काम को उतने समय पर कर पाएँ, एंड जो ऐसे वर्कर जो नए हैं अभी उस काम के एक्सपर्ट नहीं हैं वो भी उस काम को उस टाइम पर कर पाएँ। आपको सब कुछ देख कर ऑर्डर देना होगा। ये क्या है? फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल, जो कि किसने दिया? F.W. टेलर ने। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, पढ़ो इसको। जॉब परफॉर्म शुड बी ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, नॉट ऑन एक्सपीरियंस, हिट एंड मिस मेथड। मतलब क्या कि जो जॉब परफॉर्म हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, शुड बी मतलब क्या होने चाहिए, किस बेस पे होने चाहिए, तो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पे आप साइंटिफिक इंक्वायरी करो, उसके बारे में पूरा नॉलेज लो, तब वो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, न कि आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है, ना कि हिट एंड मिस मेथड पे, मैंने तो बोल दिया वो हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है, किसने दिया? F.W. टेलर ने। मैं बार बार नाम क्यों ले रही हूँ कि आप लोग याद हो जाए। F.W. टेलर का सेकंड प्रिंसिपल, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम प्रेम भावना से करो, झगड़ा मत करो, ठीक है, कोई भी काम प्यार से करो, झगड़ा मत करो, बस उन्होंने यही बोला इस प्रिंसिपल में, उन्होंने यही बोला। अब इस प्रिंसिपल झगड़ा मत करो प्यार से रहो में इसका मतलब क्या होता है? मैं एग्जांपल समझो, एग्जांपल हटाओ, एक रियल फैक्ट समझो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर यानी ऑनर मैनेजमेंट, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में हमेशा झगड़ा चलते रहता है, एक ईगो क्रश होता है। मतलब क्या कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको क्या लगता है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि वो आपके जो वर्कर से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा लगता है मैनेजर को कि हाँ जो मेरे वर्कर हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। वर्कर्स को क्या लगता है कि जो मैनेजर है फालतू काम दिया जा रहा है, फालतू काम दिया जा रहा है, ये देख नहीं रहा है कि काम हमसे हो पाएगा या नहीं। तो ये क्या है? एक क्रैश है, ईगो क्रैश। तो उन्होंने क्या बोला कि वर्कर्स और मैनेजर के बीच में जो एटीट्यूड है वो कम करो, वो हटा दो। मतलब क्या है कि वर्कर को भी समझना चाहिए कि हाँ सर ने ये ऑर्डर दिया है तो हम करते हैं, और
जो भी ऑर्डर देने वाले ऑनर होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको भी समझना होगा कि हाँ मैं वर्कर्स को ये काम दे रहा हूँ तो क्या वो सही ढंग से काम कर पाएंगे उस टाइम पे जो मैं दे रहा हूँ, क्या वो करने में एबल है या नहीं। ठीक है, क्या वर्कर्स को मैं टाइम टू टाइम सब कुछ काम दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ ठीक है, बट आप वर्कर की भी अंडरस्टैंडिंग समझो कि क्या वर्कर ये काम से खुश है, करना चाहता है या नहीं। ठीक है, मतलब क्या कि झगड़ा मत करो, प्यार से सबको काम करो। ये आपके घर में भी होता है, सबको बोलता है कि सबको काम प्यार से करो, झगड़ा मत करो। सेम क्या होगा, वही ऑर्गेनाइजेशन में भी होगा कि हाँ आप झगड़ा मत करो, सारा काम क्या करो, प्यार से करो, बात खत्म। पढ़ो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजर एंड वर्कर्स। मतलब एक आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, अच्छे से समझ कि हाँ सर ने बोला, सर के लिए मैं ये करूँगा, सर को भी सोचना है कि हाँ मैं वर्कर को काम दे रहा हूँ तो ये कर पाएगा, आराम से कर पाएगा। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड क्या है, मेंटल रिवोल्यूशन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजर एंड वर्कर। सेम मतलब मैंने बता दिया आपको कि वर्कर एंड मैनेजर दोनों को समझना होगा एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में जो उनका सोच है वो हटाना होगा कि नहीं ऐसा नहीं है कि हमेशा मैनेजमेंट फालतू ही ऑर्डर देगा आपको। ठीक है, उसको भी कुछ काम का स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक है, तभी वो आपको ऑर्डर दे रहा है, समझना होगा आपको। मैनेजमेंट को भी समझना होगा कि मैं जो काम वर्कर को दे रहा हूँ, ये नहीं कि सारा काम, ढेर सारा काम दे दूँ वर्कर करना पाए। ठीक है, तो आपको सब कुछ एक दूसरे के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब क्या कि साथ मिलकर करो, सारे काम साथ मिलकर करो, अकेले मत करो। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले ले, अकेले में डिसीजन ले ले। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि इनको कोई डिसीजन लेना है तो वो नीचे यानी मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल दोनों से एक आइडिया लें, हेल्प लें कि हाँ मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, क्या ये सही है, या फिर आपको इस डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन रॉन्ग है तो आप हेल्प करो मेरा। मतलब क्या कि एक साथ काम करो, सहयोग करके सबको काम क्या करना है, साथ मिलकर काम करना है। ये नहीं कि मेरा काम मैं अकेले करूँगा, नहीं, पर ये ऐसा भी नहीं कि वर्कर अपना काम किए जा रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपना ऑर्डर दिए जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि वर्कर कर रहे हैं या नहीं। तो दोनों में क्या होना चाहिए, मिलकर काम करने की भावना होनी चाहिए। वर्कर एंड ऑनर या फिर मैनेजर सारे मिलकर काम करें, सेम बात है। ये इसी को अच्छे वे में फिर से उन्होंने लिखा है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसको। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कुछ डिफरेंस नहीं, डिफरेंस तो बहुत है। इसका मतलब क्या, झगड़ा मत करो, इसका मतलब क्या, साथ मिलकर काम करो। झगड़ा मत करो एंड साथ मिलकर काम करो में डिफरेंस है। ठीक है, वो अलग बात है कि आप जो निकल के एक कन्फ्यूज़न आया वो कुछ सेम है। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ जो हमारा प्रिंसिपल दिया है, किसने दिया है, एडलो टेलर ने, वो क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर। ठीक है, उन्होंने पहले हिज लिखा था बट बाद में इसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, टू हीज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पैरिटी। इसका मतलब क्या कि इस प्रिंसिपल में एफ टेलर ने क्या बोला कि आप अपने वर्कर को का डेवलपमेंट करते रहो। मतलब क्या, सिंपल बात कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे सर ने बोला कि तुम BST चैप्टर फर्स्ट का वीडियो बनाओ, मैं बनाया। ठीक है, अगले दिन उन्होंने क्या बोला कि फिर से तुम BST चैप्टर फर्स्ट का ही वीडियो बनाओ, मैंने फिर बनाया। फिर मुझे क्या ऑर्डर मिलता है कि BST चैप्टर फर्स्ट का वीडियो बनाओ, फिर मैं बनाऊंगी। बट मैं बनाते बनाते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन के बाद मैं बोर हो जाऊंगी, मैं बनाना वीडियो छोड़ दूंगी कि एक ही काम बार बार क्या करना है मुझे, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, ये भावना सब में आती है, या फिर मैं हूँ, आप हो, वर्कर्स हो, तो आपको वर्कर के साथ वही काम नहीं करना है। जैसे मैंने आज चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया तो पढ़ाने के पहले मैंने खुद पढ़ा, मैंने आपका BST का बुक पढ़ा हुआ है तब मैं पढ़ा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने के पहले मैं फिर पढ़ती हूँ, चैप्टर सेकंड पढ़ाने के पहले मैं फिर पढ़ूंगी, थर्ड पढ़ाने के पहले फिर पढ़ूंगी। मतलब क्या कि मेरा नॉलेज बढ़ रहा है ना, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, एक मेरा भी एक मुझे भी डेवलपमेंट हो रहा है मेरे नॉलेज का, मेरे स्किल का। मतलब मुझे सारा चीज़ याद होते जा रहा है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरा डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो सेम एज वर्कर का भी डेवलपमेंट हो, ये नहीं कि वर्कर को अभी काम दे दी हो, ये करो ये करो ये करो, लगातार वो करते रहे तो वो क्या करेगा, बोर होकर वो काम छोड़ देगा। नहीं, आपको क्या करना है कि उस वर्कर की ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, मतलब कि जितना उसके पास नॉलेज है वहाँ तक पहुँचाओ उसको। ठीक है, मतलब कि उसको इतना डेवलपमेंट करो कि जितना उसका स्किल है, जितना उसका पावर है, हाईएस्ट लेवल तक जितना पावर है उतना तक उसको काम पहुंचाओ, धीरे 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 करके।
ठीक है, मतलब क्या कि काम चेंजेस करो, प्रमोशन करो उसका, ये नहीं कि आपके वर्कर में आज कोई टाइपिंग कर रहा है तो कल हमेशा टाइपिंग ही करते रहे, नहीं, उसके बाद उसको रीडिंग का भी काम दो, ठीक है। तो मतलब क्या कि वर्कर का डेवलपमेंट, एम यहाँ पे देखो, एम टू डेवलप वर्कर्स टू दियर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब सेम बात है कि वर्कर्स को डेवलपमेंट तक पहुँचाना, ठीक है। एक ही वर्कर को बार बार एक ही काम दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, ना काम छोड़ देगा। तो आपको क्या करना है, वर्कर का इंटरेस्ट बनाए रखना है, उसको मोटिवेशन दो कि हाँ तुम एक काम करोगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हो। मैं क्यों यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, मेरा क्या मोटिवेशन है कि मेरा वीडियो ट्रेंडिंग पर चले, मेरा भी मोटिवेशन है, मैं इसलिए वर्क कर रही हूँ। तो वर्कर को भी मोटिवेशन दो कि हाँ तुम ये वर्क करोगे तो इस लेवल पे पहुँचोगे, इस लेवल पे पहुँचोगे, एंड देन तो क्या करेगा आपका वर्कर, अच्छे से काम करेगा। ये था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि क्या किसने दिया था, FW Taylor ने। आपका पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इसी चैप्टर का मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी, उससे पहले मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी डाउट से आप लोग मुझे कमेंट करो, जो भी डाउट है, ठीक है, बिना शरमाए, बिना कुछ भी सोचे आप लोग कमेंट करो, मैं उसको ज़रूर हेल्प करूँगी। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। एंड फिर ठीक है, मैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।